नमस्कार, मैं कशिश और स्वागत है आपका नेक्स्ट 9 न्यूज में। देश में राष्ट्रपति के चुनाव की अधिसूचना जारी हो चुकी है। 18 जुलाई को राष्ट्रपति चुनाव का मतदान होना है और नतीजे 21 जुलाई को आएंगे। चुनाव में कुल 4,809 सांसद और विधायक वोट करेंगे। मौजूदा राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का कार्यकाल 24 जुलाई को खत्म हो रहा है। उससे पहले देश का अपना 16वां राष्ट्रपति मिलना है, लेकिन अभी तक सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों के उम्मीदवारों का चयन नहीं हो सका। सत्ता पक्ष और विपक्ष अपने अपने लाभ के हिसाब से उम्मीदवारों के नाम पर चर्चा कर रहे हैं, लेकिन दोनों तरफ अभी तक किसी नाम पर सर्वसहमति नहीं बन पाई। दिल्ली में विपक्ष की राष्ट्रपति चुनाव को लेकर हुई बैठक बेनतीजा रही, क्योंकि एनसीपी नेता शरद पवार ने विपक्ष का प्रत्याशी बनने से साफ इनकार कर दिया। शरद पवार ने प्रत्याशी बनने से इनकार करने की जो वजह बताई है वो अभी भी सक्रिय राजनीति में है, इसलिए राष्ट्रपति चुनाव नहीं लड़ना चाहते। हालांकि राजनीतिक पंडित इसके पहले भी वजह कुछ और भी बता रहे हैं। शरद पवार के इनकार के बाद से अब अगले सप्ताह नए नाम पर चर्चा के लिए विपक्षी दलों की दिल्ली में फिर से बैठक होगी। और गौरतलब है कि शरद पवार के नाम पर सारा विपक्ष एकजुट है, मगर उनके इनकार के पीछे वो संभावित वजह बताती है जिसके चलते वो दावेदारी से पीछे हट रहे। तो चलिए इस खबर में और जानिए कि किस तरीके से संजय राउत के पीछे हटने की क्या वजह हो सकती है। ये बात यहाँ पर खुद सुनिए संजय राउत की मुंह जुबानी। पवार साहब इतने बड़े नेता है, इस देश के जो विरोधी दलों की जो राजनीति है उसके भीष्म पितामह है। अगर पवार साहब ये चुनाव लड़ने के लिए हाँ गए थे तो इस चुनाव को एक बहुत बड़ा आयाम मिल जाता, प्रतिष्ठा मिल जाती, लेकिन पवार साहब ने कुछ कारणों से कहा है कि मैं नहीं लड़ सकता हूँ। अगर कोई दूसरा उनके बराबरी का, उनके कद का उम्मीदवार आज हमारे सामने अगर कोई दिखता है तो उनको खड़ा करना पड़ेगा, लेकिन सर्वसहमति के नाम पर कोई भी नहीं चलेगा। सरकार ने नई स्कीम भी निकाली, अग्निपथ स्कीम, उसके विरोध। और दूसरी बात यह है कि सरकार की तरफ से भी इस देश के सभी प्रमुख नेता, चाहे विरोधी दल हो चाहे सबसे, एक डायलॉग शुरू किया है राष्ट्रपति पद के इलेक्शन के लिए। उसमें उद्धव ठाकरे साहब भी है, अर्थात ममता बनर्जी भी उद्धव जी से संपर्क में है। उसे अगर कोई अच्छा नेता सामने आता है जो देश को मान्य हो तो उस पर चर्चा हो जाएगी। वरिष्ठ नेत्यांचा फोन गेल्याची माहिती आहे, फोडाफोडीचं राजकारण बघा, ते आपापला पक्ष आपापल्या आमदारांची काळजी घेईल आणि ती घ्यावी। सस्पेन्स अजून कायम आहे सर।